इक्पमेंट क्वालिफ़िकेशन के बारे में प्रीवियस uh, वीडियोस में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन को डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन में हमने वैलिडेशन के uh, जो है टाइप्स में से एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को जो है डिस्कस किया था ये भी एक वेलीडेशन एकफिकेशन जो है ये भी वेलिडेशन का ही जो है पार्ट है और इसमें जो है uh, हम एकमेंट क्वालिफिकेशन को जो है डिसकस करेंगे और उसको कैसे जो है परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो so स्टार्ट करते हैं एक क्वालिफिकेशन या एकमेंट वैलिडेशन uh, से कि व्हाट इज so, uh, एक क्वालिफिकेशन तो एकमेंट क्वालिफिकेशन एक डेमोन्स्ट्रेशन होती है एक डाक्यूमेंटेड जो है डेमोन्स्ट्रेशन होती है जिसमें हम uh, जो है ये पता है लगा जा, जाता है कि एक्यूपमेंट है आपका या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो uh, जो है इंस्ट्रूमेंट uh, जो है उसको चेक किया जाता है कि वो यूज़र रिक्वायरमेंट में कितना जो है वो पूरा उतरता है या यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या यूज़र है या उसकी नीड्स को जो है वो कितना पूरा करता है जैसे कि एक कंपनी है कंपनी जो है इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की यूज़र है तो वो उसकी नीड्स के लिए कितना जो है बेनिफिशल है और उसकी नीड्स को कितना जो है पूरा करता है उसको हम इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन कहते हैं या इक्विपमेंट वैलिडेशन कहते हैं तो एकपमेंट क्वालिफिकेशन या एक्यूपमेंट वैलिडेशन जो है वो वैलिडेशन uh, का ही पार्ट है एक क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वैलिडेशन टीम होती है वैलिडेशन डिपार्टमेंट होता है जिसको ये जो है परफॉर्म करता है तो uh, ये जो है uh, किसी भी एकमेंट या इंस्ट्रूमेंट को जो है परचेज़ करने से पहले भी जो है परफॉर्म किया जाता है ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं तो एक्यूपमेंट uh, क्वालिफिकेशन के गोल्स क्या होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है सारी कवर कौन सी कवर की जाती हैं उसमें इजी मेंटेनेंस ऑफ अक्पमेंट एंड सेफ्टी जो है एकमेंट की इजी मेंटेनेंस और सेफ़्टी जो है उसमें कवर होती है उसके बाद टू इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्शन रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी उसके बाद जो है ओवरऑल uh, प्रोडक्शन की रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को जो है इम्प्रूव किया जाता है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी क्वाल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है रिडक्शन एंड वेरिएशन इन रिजल्ट्स जो है रिडक्शन uh, या वेरिएशन इन रिजल्ट जो है वो देखे जाते हैं फ्यूअर इंटप्शन ऑफ वर्क वर्क के दौरान जो है कम से कम जो है इंटप्शंस आए उसके वाले से देखा जाता है उसके बाद लोअर रिपेयर कॉस्ट उसकी रिपेयर uh, की जो है लोअर कास्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है उसको देखा जाता है कि जो है कितनी uh, जो है कैसे इक्विपमेंट की कितनी लोअर कॉस्ट है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई जो हायर मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये uh, इस इक्विपमेंट के इंस्ट्रूमेंट का जो है अगर इस पार्ट की अगर मेंटेनेंस होगी तो ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस होगी तो एकमेंट uh, क्वालिफिकेशन uh, में हमारे पास एक यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है जिसे हम यू कहते हैं तो उसमें ये आ, कुछ चीज़ें कवर होती हैं एकमेंट डिज़ाइन होता है उसकी साइज़ होती है उसकी लोकेशन होती है या फिर एकमेंट कंस्ट्रक्शन होती है तो आ, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली जो है वो एकमेंट डिज़ाइन में इन्वॉल्व नहीं होती जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ होती हैं इक्विपमेंट की वो एज़ जी एम पी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस इंस्ट्रूमेंट को आ, जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की या यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती वो जो है उसकी डिज़ाइन में तो इनडायरेक्टली वो कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं या फिर इस तरह से कि हमारी जो पर डे प्रोडक्शन है या फिर हमारी जो नीड्स हैं या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस हिसाब से हैं तो वो अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स बता सकता है पर उसकी ज़्यादा डिज़ाइनिंग को डिसाइड नहीं कर सकता कि इसकी डिज़ाइन जो है इस तरह से हो उसके बाद है लोकेशन ऑफ एक्यूपमेंट इक्विपमेंट परचेज़ करने से पहले उसकी लोकेशन जो है वो uh, पहले डिसाइड की जाती है कि इस जो है जो हम इक्विपमेंट uh, uh, जो है परचेज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ जो है इतनी है और उसकी लोकेशन जो है ये होगी तो ज़्यादातर ये होता है कि लोकेशन uh, डिसाइड नहीं की जाती और इक्विपमेंट uh, जो है परचेज़ किया जाता है तो फिर उसकी uh, देखा जाता है कि सराउंडिंग्स में जो है uh, काफ़ी सारी स्पेस होनी चाहिए जैसे कि उसकी अगर मेंटेनेंस की जाती है इंजीनियरिंग की तरफ से या फिर उसकी जो है किसी चीज़ के लिए कोई रिपेयरिंग uh, की जाती है या फिर कैलिब्रेशन की जाती है तो इजीली जो है वो हो सके उसके अंदर कोई सेफ्टी uh, का जो है इशू ना आए उसके बाद है एक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एकुपमेंट uh, के अंदर आपके जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं जिस जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट पार्ट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी um, मशीन के अंदर जो है एक हॉपर है तो उसमें आप जो है प्रोडक्ट फिल करते हो तो वो हॉपर जो है वो इस उसके जो कंस्ट्रक्शन है या उसका मटेरियल है वो इस तरह का हो कि आपके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर आपके केमिकल्स जो होते हैं वो उसको उस पर रिएक्शन ना करे तो जो है इसका भी ख़्याल रखा जाता है तो इसमें जैसे लिखा हुआ है क्रिटिकल यूटिलिटीज फॉर एग्जांपल वाटर कंप्रेस्ड गैस जो है इसका कोई जो है इस पर रिएक्शन uh, ना हो उस एकमेंट uh, के ऊपर उसके बाद हमारे पास जो है फेजिज हैं वैलिडेशन के अंदर uh, जिसे हम वन बाय वन जो है परफॉर्म करते हैं वैलिडेशन एक वेलिडेशन की अब वेलीडेशन इज़ ब्रोकन डाउन इन टू फाइव मेन फेजिज अब इस फेजेस uh, वैलिडेशन uh, का मतलब ये इक्विपमेंट वैलिडेशन की बात कर रहा है ये डिज़ाइन क्वालिफिकेशन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन इसको वन बाय वन जो है डिस्कस uh, करते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं डिज़ाइन क्वालिफिकेशन ये जो है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन का जो है एक फेज़ है जिसके अंदर जो है uh, उसकी डिज़ाइन uh, के बारे में जो है uh, देखा जाता है कि हम जो इक्ुपमेंट ले रहे हैं उसकी डिज़ाइन जो है इस तरह से ज़्यादातर ये होता है कि आप जब जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन करते हो तो उसमें आप जो है अपना सप्लायर जो होता है या आपका वेंडर होता है उसको भी उसकी भी सिलेक्शन कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल उस आपके पास जो है तीन चार वेंडर या तीन चार सप्लायर होते हैं जिसके हिसाब से आप सिलेक्शन करते हो कि इस सप्लायर के पास इस एक्पमेंट की अवेलेबिलिटी है और ये डिज़ाइन जो है इस तरह का है तो हमने इस सप्लायर को जो है सेलेक्ट करना है तो डिज़ाइन के अंदर ओवरऑल जो है उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइन के हवाले से कि हमारी कंपनी की जो है यूज़र की ये रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें डिज़ाइन जो है वो इस हिसाब से चाहिए तो डिज़ाइन uh, जो है वो डिफ़ाइन करती है कि uh, उसके उसके फंक्शंस को डिफाइन करती है उसके ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन डिफ़ाइन uh, करती है इंस्ट्रूमेंट की जितनी भी डिटेल्स हैं कॉन्शियस डिसीजंस मेड इन द सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर सप्लायर को जो है डिसाइड करना डी क्यू शुड इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंट्स हैव द नेसेसरी फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट विल अनेबल डेम टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड फॉर द इंटेंडेड एप्लीकेशन एंड मीट द यूज़र रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन में ऑपरेशनल जो जो चीज़ें हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं ये जो है इस तरह की जो है डिज़ाइन का होना चाहिए या फिर इसमें जो है इस इस किस्म के जो है फंक्शन होने चाहिए तो डिज़ाइन क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास वेंडर क्वालिफिकेशन या वेंडर ऑडिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो वेंडर की सिलेक्शन की है उसको आपने चेक करना चाहिए द वेंडर शुड बी क्वालिफाइड आपका वेंडर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आई एस नाइन थाउजेंड वन डॉक्यूमेंट कि आप उसको डायरेक्ट भी ऑडिट कर सकते हो ज़्यादातर ये होता है कि आप जब वेंडर ऑडिट के लिए जाते हो तो वेंडर के पास एक लिस्ट होती है जिसमें आपको चेक करवाया जाता है कि हमने जो ये इंस्ट्रूमेंट है इस इस फला फला कंपनीज को जो है जो टॉप कंपनीज़ हैं इसको सप्लाई किया है और वहाँ पे सक्सेसफुली ये इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है और उसके आप डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो उसके आप सर्टिफिकेशन चेक करते हो वेंडर की कि ये जो कंपनी है ये मैनुफैक्चरिंग करती है अकॉर्डिंग टू जी करती है अकॉर्डिंग टू जो है गाइडलाइन करती है तो वेंडर ऑडिट या वेंडर क्वालिफ़िकेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें उस टीम के अंदर जो है एक वेंडर ऑडिट का भी जो है मेंबर होता है जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है वैलिडेशन के अंदर उसके बाद हमारे पास है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन अच्छा आपने जो है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन को जो है करने के बाद आप जो है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के में जाते हैं तो अब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में ये होता है कि आपने डिज़ाइन देख ली ठीक है अब फॉर एग्जांपल आपने उसकी एक फ़ोटो देख ली या आपने उसकी एक ड्राइंग देख ली या आपने जो है एक विजुलाइज़ कर लिया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह का है तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन में आप जाते हैं और आप चेक करते हैं कि आपके पास एक लिस्ट होती है उसमें चेक करते हैं कि ये ये चीज़ें जो है इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं या नहीं की गई तो आप वन बाय वन उसका पार्ट चेक करते हैं कि हाँ इसमें ये भी इंस्टॉल किया गया है इसमें ये भी इंस्टॉलेसन है इसमें ये भी इंस्टॉलेशन है अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी जो है रिक्वायरमेंट है इस पर यह पूरा उतर रहा है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चेक अगेंस्ट द मैनुफेक्चर कंपोनेंट लिस्टिंग मैनुफैक्चरिंग की कंपोनेंट्स की एक लिस्ट होती है उसमें जो है चेक की जाती हैं कि ये ये चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं उसके बाद वर्किंग uh, इन्वायरमेंट के uh, जो है कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी इंश्योर किया जाता है कि ये सूटेबल है हमारे ऑपरेशन के लिए ए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है उसके बाद है ऑपरेशनल क्वालिफ़िकेशन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में uh, अगर सादे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आपने जब कर ली तो उसके बाद ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में जो मशीनस के अंदर जो पार्ट्स होते हैं तो उसको वन बाय वन ऑपरेशनल तरीके से जो है चेक किया जाता है फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऐसी मशीन है तो उसका एक अलग अलग पार्ट है तो उसमें आप अलग अलग पार्ट में उसके हर पार्ट को ऑपरेशनल करके मतलब उसको चला के चेक किया जाता है कि हाँ ये भी इसका पार्ट जो है काम कर रहा है और जो है उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर कोई स्क्रीन लगी हुई है तो स्क्रीन के ऊपर ज़ाहिर सी बात है उसमें बटन्स होंगे या फिर वो टच स्क्रीन होगा तो उसको सारी चीज़ें वन बाय वन टच करके कि हाँ ये भी ऑपरेशनल है ये भी ऑपरेशनल है उसके बाद पूरी मशीन को भी चला के चेक करना है कि सारी मशीन को अगर एक साथ चलाया जा रहा है तो वो भी ऑपरेशनल है तो उसमें हमारे पास जो है इंजीनियरिंग के हवाले से इलेक्ट्रिकल जो है ए, सेमूलेटर्स जो हैं वो होते हैं उसमें जो है इंजीनियरिंग के वाले से जो है वो करेक्ट जो है चेक किया जाता है इलेक्ट्रिकल चीज़ें चेक की जाती हैं उसके सिग्नल्स जो है करेक्टली आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो ये भी चीज़ें होती हैं तो हमारे पास जो है इंजीनियरिंग की जाहिर सी बात है एक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की टीम भी होती है जो ये चीज़ें सारी देख रही होती है अच्छा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन या फिर प्रोसेस क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में आप जो है इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करते हो या फिर आप उसके प्रोसेस को चेक करते हो परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में यह होता है कि आप जो मशीन जो है आपकी आपके पास आ जाती है तो आप उसकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करते हो आप उस पर प्रोडक्ट लगाते हो उस प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम आप चेक करते रहते हो उसकी वेरिएशन को आप चेक करते रहते हो इसमें परफॉर्मेंस क्वालिफ़िकेशन में, में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जो है जब आप मशीन को इस हिसाब से प्रोसेस में लाते हो जिस हिसाब से आपको मशीन को रूटीन एनालिसिस में प्रोसेस में लाना है इसका मतलब ये है कि आपके पास रूटीन वर्क जितना है उस रूटीन वर्क के हिसाब से आपको उसको प्रोसेस में लाना है अच्छा तो इसमें आप फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन के अंदर हॉपर है तो हॉपर के अंदर जो है टेम्परेचर है तो उसके डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर आप चेक करते हो कि इसका टेम्परेचर जो है स्क्रीन के अंदर इतना अगर आ रहा है तो रियल में उसका टेम्परेचर अंदर उतना है या नहीं है ठीक है उसके बाद उसकी आपने कैलिब्रेशन uh, चेक कर ली उसके बाद uh, इसमें uh, जैसे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी सेंसर रीडिंग्स कंपेयर की जाती हैं या फिर हमारे पास ट्रेसेबल ऐसे कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं अगेन ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेमॉन्स्ट्रेटिंग दैट एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंटली परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू इट्स रूटीन यूज़ तो कॉन्सिस्टेंटली uh, जो है वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्सिस्टेंटली उसको चेक करना है कि वो जब रूटीन में रूटीन यूज़ में आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से होगी तो ये उस, ऐसे होता है कि परफॉर्मेंस अगर पहले थोड़ी बहुत चेक की जाए कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है जब उसको रूटीन में लाया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए या फिर उसका प्रोसेस जो है वो ख़राब हो जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के अंदर आपको उसको इस तरह से चेक करना है जैसे कि आप उस मशीन को रूटीन के हिसाब से चेक कर रहे हैं उसके बाद लास्ट uh, है हमारे पास मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन अच्छा मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन में uh, का ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर भी uh, जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड uh, कर देता है कि इसकी मेंटेनेंस किस तरह से होगी या फिर इसकी जो रूटीन सर्विसिंग सर्विस है वो किस तरह से होगी या फिर उसमें एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसका यूज़र है स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट है जो है उसको अब बताया जाएगा कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी क्लीनिंग जो है वो इस तरह से होगी अगर ये इंस्ट्रूमेंट की रूटीन सर्विसेज है वो इस तरह से होंगी इसकी जो फॉर एग्जांपल एस बना के प्रोवाइड की जाएंगी कि भाई ये इसकी ये एस हैं इस इस एस के हवाले से इस जो है इस एकमेंट uh, को चलाना है इस एकमेंट को जो है इस uh, हिसाब से यूज़ करना है तो उसमें सर्विस इंजीनियर्स uh, जो है टीम वो इन्वॉल्व होती है कि इसकी जो है मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी या फिर इसमें जैसे लिखा हुआ है द एम क्यू फॉर मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन जो है इंक्लूड्स द रूटीन क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट द रूटीन क्लीनिंग उसकी इक्विपमेंट कैसे होगी या फिर उसके अंदर कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो मतलब अलग से खोल के क्लीनिंग करनी है या डिस्पोजेबल हैं इस हिसाब से जो है ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो ये थी हमारी क्वालिफिकेशन तो इसमें जो है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जो है ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक्यूपमेंट क्वालिफिकेशन के अंदर तो आगे जो है वेलीडेशन की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे इन जो है इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफि